खुशामदीद। SKM 91 न्यूज पर आप तमाम व्यूवर्स का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। कुछ वक्त से वक्त की जमीनों पर लैंड ग्रैबर्स का कब्जा उरूज पर था, पर अब लैंड ग्रैबर्स हो जाए होशियार, क्योंकि हमारे वक्त बोर्ड के CEO की जानिब से उनकी मेहनत से वक्त की जमीनों पर नाजायज कब्जों के केसेस में लैंड ग्रैबर्स की हार हो रही है। जी हां, अब लैंड ग्रैबर्स के केसेस में हमारे वक्त की जीत हासिल हो रही है और जमीनों को वक्त के हवाले कर दिया जा रहा है। बतारिक 13 अप्रैल जुमेरात को वक्फ बोर्ड के CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि वक्फ को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। इन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट के अलावा शहर के करीब पटनचेरू में वक्फ बोर्ड ने जमीनात पर केस जीते हैं और कीमती जमीनात को फिर से वक्फ के अंडर ले लिया है। इन्होंने बताया कि रमजान के इस मुबारक महीने में वक्फ को 130 एकड़ प्रॉपर्टी हासिल हो चुकी है, जिसकी मालियती कीमत अंदाजे के तौर पर 1000 करोड़ बताई गई है। इसके साथ ही एक खाने की मस्जिद की भी जमीन की, जिसकी कीमत 50 करोड़ की वैल्यू हो सकती है। ये 130 एकड़ की जमीन लीगल तरीके से हासिल करना वक्फ की एक बड़ी जीत बताई जा रही है। वक्फ बोर्ड के CEO ने भी अवाम को ये तयक्कुन दिलाया कि अगर लैंड ग्रैबर्स वक्फ की जमीनों पर नाजायज कब्जे करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसे ही लीगल तरीके से कड़ी मेहनत के साथ हम अपनी जमीन हासिल कर लेंगे। इन्होंने इस केस में मेहनत करने वाले सभी अहदेदारों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें मुबारकबाद दी। आइए सुनते इसके मजीद तफसीलात वक्फ बोर्ड के CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की जुबानी हमारे नुमाइंदे जाफर की ये खास रिपोर्ट में। SKM 91 न्यूज के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर अहम और खास खबर के लिए हमारे न्यूज चैनल SKM 91 न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। एक खाना मस्जिद का केस निर्मल में एक 5 एकड़ 33 घंटे के ऊपर रेवेन्यू ट्रिब्यूनल केस चल रहा था। इसके ऊपर जो है अपने हम लोग जो है सो अपने फेवर में, वक्फ बोर्ड के फेवर में आर्डर आ चुका है। ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और इसके ताल्लुक से हम प्रॉपर्टी जो है सो ये आर्डर के ऊपर हम प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में ले लेंगे। और इसके साथ अहम जो अहम और एक प्रॉपर्टी है पटनचेरू, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आती है प्रॉपर्टी पटनचेरू में। ये प्रॉपर्टी जो है सो 130 एकड़ मस्जिद कुतुबशाही के तहत एक प्रॉपर्टी 130 एकड़ प्रॉपर्टी थी। इस प्रॉपर्टी को लोग अपने नामों पे रजिस्टर करा के जो लोग लड़ रहे थे इस प्रॉपर्टी के सिलसिले में हम लोग रेवेन्यू ट्रिब्यूनल में केस डाले। इसके ऊपर कुछ एक पिल भी हाईकोर्ट में डाले थे, वो पिल के डायरेक्शन के ऊपर ट्रिब्यूनल के अपने रेवेन्यू ट्रिब्यूनल में केस चला। केस चलने के बाद हम पूरी तरह जोर लगा के लीगल एडवोकेट्स को लेकर और हमारे बोर्ड की टीम सुपरटेंडेंट्स पूरे लोगों की इसी केस में लगा के पूरे रिकॉर्ड निकाल कर मुंतखब पूरा निकाल के पूरी तरह कोशिश करने के बाद किसी तरह भी चांस नहीं छोड़े। उसमें हम पर्सनल उसमें हम तवज्जो लेकर और इसके साथ स्पेशली ये हमारे उपबोर्ड के चेयरमैन और उनकी टीम पूरी साथ दे के चेयरमैन साहब भी इस मामले में यानी कि रेवेन्यू ऑफिशल्स जो भी जो जजमेंट देने वाले हैं कोई भी किसी किस्म से कोई किस्म का अपने को नुकसान नहीं होना बोल के टॉप लेवल पे आप भी बात करें। हम इस तरह लीगल तरीके से पूरा लीगल को पूरा सेट करें इस मसले में। होमेश्वर साहब भी जो है सो स्पेशली ये केस में ये ऑफिशियल्स को कोऑर्डिनेट करके बात करें हैं। इसमें हमारे मिनिस्टर कपिलेश्वर साहब भी इस मसले में ऑफिसर्स के पूरी मेहनत के बाद हम लोगों को 130 एकड़ प्रॉपर्टी हासिल हो चुकी है। इस प्रॉपर्टी की वर्थ रुपीस 1000 अंदाजा 1000 मार्केट वैल्यू 1000 करोड़ हो सकती है। इसके साथ एक खाने की मस्जिद भी जो है 150 करोड़ की वैल्यू हो सकती है। ये हमारी एक अच्छी जीत है। इसमें हम बड़ी मेहनत से इस लीगल टीम को स्ट्रेंथन करते हुए लीगल को आगे बढ़ाते हुए और बोर्ड के इंस्पेक्टर और हमारे खादर इंस्पेक्टर जब्बार सुपरिटेंडेंट ये लोग भी हर पेशी में हर बार अटेंड करते रहे। इसके साथ हमारी मेहनत और अल्लाह का करम ये हुआ इस रमज़ान के महीने में 130 एकड़ 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी हम हासिल करना अल्लाह के करम से ये हमारी एक जीत है। इस तरह से हमारी जो भी प्रॉपर्टी बोर्ड की रहेंगी, जो भी लैंड ग्रैबर्स, जो भी एनक्रोचर्स की प्रॉपर्टी को लेकर इस तरह से
आप हड़दर्मी करके प्रॉपर्टी को कब्जा करने की कोशिश करेंगे, हम इंशाल्लाह इसी लीगल तरीके से लड़ेंगे। हम जितने भी केस ऑफ के प्रॉपर्टी सर्विस इनाम के प्रॉपर्टीज है, हम जीत के रहेंगे। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं इसके वास्ते, इस तरह से ये कर रहे हैं, ये हमारी बोर्ड की और हमारी, यानी कि इस केस में जो भी लोग हेल्प कर रहे हैं सबकी जीत है। सभी खाली है, पूरी एग्रीकल्चर कर रहे थे लोग, कोई एनक्रोचमेंट नहीं है, पूरी खाली है, पूरी 5 एकड़ चिल्लर खाली है। ये इसमें एकाध के कुछ लोग मलिए, ये कमर्शियल, ये नहीं कि ये रेजिडेंशियल पे है, ये कुछ मलियां वलियां है बोल रहे, कुछ कब्जे भी रहे, तो इंशाल्लाह प्रॉपर्टी जब हम केस जीतने के बाद तो हम लीगल तरीके से ट्रिब्यूनल से, यानी तो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स कार्डियोस की कोर्ट को हम करेंगे, सेकंड पोजीशन जो होता है रिको रिपोर्शन डाल के ले लेते हैं। इसमें कितने साल आपको केस जीतने में कितने साल लगे? 2000